आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एक बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि आप देख सकते हो। यह डीजल मैकेनिक थ्योरी एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर है इन हिंदी। पहला क्वेश्चन है, इंजन के चलने पर निम्न में से क्या होता है? आंसर बताइए। आंसर है सी, ए और बी दोनों। इंजन के सामयिक अनुरक्षण का लाभ है? आंसर है, प्लीज टेल मी। आंसर है सी, ए और बी दोनों। एयर क्लीनर की सफाई कब करनी चाहिए? आंसर प्लीज। आंसर है ए, 500 घंटे इंजन चलाने पर। मेन बियरिंग, बिग एंड बियरिंग राइट करते हैं? आंसर है सी, टॉर्क रेंज द्वारा। मारुति की कनेक्टिंग रॉड टाइट होती है? लेट मी आंसर। आंसर है डी, 450 सम्प में भरा होता है। लेट मी आंसर, प्लीज टेल मी। आंसर है बी, मोबिल ऑयल, गाड़ी ऊपर उठाने के लिए प्रयोग करते हैं। टेल मी द आंसर। आंसर है सी, जैक, कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा बना होता है। टेल मी द आंसर। आंसर है बी, दो टुकड़ों में वॉल्व खोलते हैं। आंसर है सी, कैम सॉफ्ट द्वारा। फ्लाई व्हील पर ही फिट होता है? आंसर है सी, क्लच असेंबली। प्रायः जब ईंधन लो इग्निशन क्वालिटी का होता है तब कंबन के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न शोर को कहते हैं? आंसर है सी, ईंधन नॉक। एक इंजन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करने वाले मैकेनिज्म को कहते हैं? आंसर है बी, गवर्नर। ईंधन की सप्लाई बंद करने के बाद नोजल टिप से ईंधन के धीरे धीरे रिसने को कहते हैं? आंसर है ए, ड्रिबलिंग। कंबंशन चैम्बर में ईंधन की उग्रता से अनियमित जलने को कहते हैं? आंसर है डी, डिटोनेशंस। सिलेंडर से बाहर निकलने वाली जली हुई गैसों को एकत्र करने वाली पाइप को कहते हैं? आंसर है ए, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एक मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रत्येक प्लंजर के लिए फ्यूल डिलीवरी बराबर मात्रा में पाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आंसर है ए, कैलिब्रेशन। नोजल के किस प्रकार में स्प्रे पैटर्न पिंटल डिजाइन को संशोधन के साथ नियंत्रित किया जाता है? आंसर है सी, डिले नोजल। इंजन में उपभोक्ता अधिक इंजन की खपत की रिकॉर्ड करता है। समस्या की जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करते करके कहां से शुरू करेगा? आंसर है डी, गलत इंजेक्शन टाइमिंग।
उपभोक्ता इंजन का अत्यधिक गर्म होना रिकॉर्ड करता है। समस्या की जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहां से शुरू करेगा? आंसर है डी, लूज फैन बेल्ट। इंजन में उपभोक्ता इंजन को अधिक तेल खपत होने को रिकॉर्ड करता है। समस्या की जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहां से शुरू करेगा? आंसर है बी, इंजन में उपभोक्ता अधिक ईंधन की खपत बताता है। मैकेनिक ज़्यादातर इस समस्या के कारण को चेक करता है। आंसर है सी, दोषपूर्ण दास रिफिल वाल्व के द्वारा। इंजन में उपभोक्ता इंजन को अधिक गर्म होने को बताता है, तो मैकेनिक इस समस्या का कारण जांचने के लिए ज़्यादातर को चेक करता है। आंसर है ए, अत्यधिक टैपेट क्लियरेंस। उपभोक्ता इंजन में तेल की खपत ज़्यादा होने की शिकायत करता है, तो मैकेनिक इस समस्या का कारण जांचने के लिए ज़्यादातर को चेक करता है। आंसर है सी, पिस्टन रिंग और सिलेंडर बोर का जल। लुब्रिकेशन प्रणाली में प्रेशर को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? आंसर है ए, किस स्नेहन प्रणाली में इंजन ऑयल को ईंधन में मिलाया जाता है? आंसर है बी, मिस्ट स्नेहन प्रणाली। ऑयल सम्प में स्नेहक का लेवल के द्वारा मापा जाता है। आंसर है डी, ऑयल डिम सिंक। निम्न में से किस लुब्रिकेंट को वाहनों में प्रयोग करते हैं? आंसर है डी, ये सभी। बाजारों में सबसे अधिक काम आने वाला लुब्रिकेंट है? आंसर है ए, खनिज तेल। लुब्रिकेंट का प्राथमिक कार्य है? आंसर है डी, कूलिंग करना। लुब्रिकेंट में योगशील पदार्थों को जोड़ने के मुख्य कार्य है? आंसर है डी, ऑक्सीकरण को रोकना। स्प्लेशन लुब्रिकेंट प्रणाली में प्रयोग किया जाता है? आंसर है ए, ऑयल के छिड़काव का। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना, मुझे मस्टी टाइम है ये, आप कुछ देख सकते हैं। जाड़ा वाला रात रहे, माघी बरसात रहे, 8 बजे मिले खाते इनका से बात रहे, ठीक है। मिले वाला धुन रहल देह में, जुनून रहल, काट ले कुकुर सा लहर, खून बहल।